जीवन जीने का तरीका। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे, कृपया दूरी का ध्यान रखें। चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसकी याद मुझे हमेशा ही सताएगी। पिछले महीने जो मैंने अपने बेटे को खोया है, उस गम से मैं बाहर ही नहीं आ पा रहा हूँ। मेरे पास जितना भी पैसा था, वो मैंने अपने बेटे के इलाज में खर्च कर दिया है। पर मैं ऐसे हार भी तो नहीं मान सकता। मुझे अपने बाकी परिवार के लिए जीना होगा और मेहनत करनी होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा जिंदगी में खुश रहूं और अपनी फैमिली को भी खुश रखूं। अरे भैया, ये बैग हटाओ जरा। लो जी, बैठ जाओ। अबे क्या है ये, इस बैग को पीछे करो। बार बार तुम्हारा बैग ही गिरता जा रहा है। अबे कितनी गर्मी हो रखी है मेट्रो में, इन लोगों का एसी नहीं चल रहा क्या आज? टिंग 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 टिंग। एक तो ये फोन बार बार बजता रहता है, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है इसे। ओहो, हेडफोन भी नहीं लाया मैं तो। रहने ही दो इसे तो। क्या बात है भाई, आप तो बड़े परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? आप चाहो तो अपनी परेशानी मेरे साथ बांट सकते हो। हाँ यार, सही कह रहे हो तुम, बहुत परेशान हूँ मैं। कंपनी ने बोला था कि इस वीक मुझे बोनस मिलेगा, और अब कह रहे हैं कि कंपनी को घाटा हो गया तो मेरा बोनस कैंसिल कर देंगे। ये भी कोई बात हुई भला? हाँ, ये तो बुरा हुआ। अगर उन्होंने बोला था कि तुम्हें बोनस मिलना चाहिए, तुम्हें बोनस मिलेगा तो तुम्हें बोनस मिलना ही चाहिए था। हाँ यार, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। पहले प्रॉमिस करके काम निकलवा लिया और अब चले गए। वैसे मैं आपको एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि आपके पास जितना है आपको उसी में खुश रहना चाहिए। और ऐसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए। ये सब तो जिंदगी में होता ही रहता है। क्या, अबे पागल है क्या? तूने सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? मुझे मेरा बोनस नहीं मिला, इतनी मेहनत करने के बाद भी। तेरे जैसों का चलता होगा थोड़े से पैसे में, हमारा नहीं चलता है। अबे तू अपनी सलाहें अपने पास ही रख, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, तुझे कुछ भी पता नहीं है। हाँ शायद ये सही कह रहा था, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। पर इसे तो पता होना चाहिए कि काइंडनेस और एम्पैथी क्या होता है। हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हमें हमेशा उनसे प्यार से ही बात करनी चाहिए और उनकी बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है ऐसा भी कुछ उनके साथ हुआ हो जो हमें पता ही ना हो। इस बारे में अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें, और लाइक और सब्सक्राइब किए भी ना जाएं। दिस इज निकिता द एनिमेशन एडिक्ट। बाय बाय।